हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। नए साल के पहले दिन ही महंगाई की डोज, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। जी हां, साल 2023 के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। 1 जनवरी से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। हालांकि यह वृद्धि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ही हुई है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 1769 रुपए पहुँच गई है। बीजेपी 2023 कर्नाटक चुनाव अकेले लड़ेगी, अमित शाह का ऐलान। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए घोषणा की है कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 अकेले लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि जेडीएस के साथ गठबंधन की बातें केवल अफवाह है। शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। सबसे बड़े जॉब फ्रॉड का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड यूपी से गिरफ्तार। जी हां, ओडिशा पुलिस ने देश की अब तक की सबसे बड़ी नौकरी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करके मुख्य आरोपी जफर अहमद को यूपी से गिरफ्तार किया है। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अलीगढ़ से चल रहे एक बड़े नौकरी धोखाधड़ी घोटाले का खुलासा किया है। स्कैमर्स ने कम से कम 5 राज्यों में बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया है। लगभग 50,000 नौकरी चाहने वाले लोगों से ये ठगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये आपका नया साल 2023 शानदार हो, सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले, प्रभु श्री राम की कृपा से यह नूतन वर्ष आप सभी के जीवन को सुख समृद्धि सौभाग्य उत्साह और आरोग्यता से अभिसंचित करें। नए साल पर एलजी का तोहफा, यहां 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, लाइसेंस लेना हुआ आसान। जी हां, दिल्ली में अब खानपान से संबंधित लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान होगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने होटल, रेस्तरां और गेस्ट हाउस चलाने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब महज 49 दिनों में ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 28 तरह के दस्तावेज जमा कराने का झंझट खत्म होगा। 5 और 4 सितारा होटल 24 घंटे खुले रहेंगे। मजदूरों पर मेहरबान केजरीवाल सरकार, देगी 5,000 रुपए की सहायता राशि। जी हां, केजरीवाल सरकार दिल्ली मजदूर सहायता योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में मजदूरों को 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सिर्फ दिल्ली के मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। ये लाभ दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। आवेदन के लिए पासबुक, राशन कार्ड, फोटो, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली आईजीआई पर नहीं दिखेगी भीड़, एयरपोर्ट को जल्द ही मिल जाएगा चौथा रनवे। जी हां, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अब जल्द चौथा रनवे शुरू होने जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को भीड़ और लंबी लाइनों से निजात मिल जाएगा। ये देश का पहला एयरपोर्ट होगा जहां पर 4 रनवे से हवाई उड़ानें होंगी। इसके शुरू हो जाने के बाद एक दिन में 1500 से ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।